फोन और गेम्स। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मुझे पकड़ कर दिखाओ। लेकिन फिर एक दिन गट्टू के पापा ने उससे कहा, गट्टू, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया है, इसीलिए हमें ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। लेकिन पापा, मेरे सभी दोस्त तो यहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, नई जगह पर तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे। गट्टू को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मान गया। ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ नए शहर में रहने आ गया। सारा घर संभालने के बाद जब अगले दिन शाम को वो पार्क में खेलने गया तो उसने देखा कि पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था। वो सोसाइटी में आया और उसने एक घर की घंटी बजाई। एक बच्चे ने दरवाजा खोला। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? मैं खेल ही तो रहा हूँ। पर तुम तो फोन पर कुछ कर रहे हो। हाँ, मैं फोन पर फुटबॉल खेल रहा हूँ। लेकिन असली में खेलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे तो ऐसे ही मजा आता है, इसलिए मैं तो फोन पर ही खेलूंगा। ये सुनकर गट्टू को बहुत बुरा लगा। वो अगले घर में गया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट, मैं सब कुछ फोन पर ही खेलता हूँ। फोन पर? हाँ, लगता है तुम्हें फोन और वीडियो गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सीखना, मुझे तो असली खेल खेलना ही अच्छा लगता है। मगर असली खेल खेलने से तो इतने थक जाते हैं और बहुत पसीना भी आता है, इसलिए मुझे तो फोन पर खेलना ही अच्छा लगता है। आराम से बैठकर खेलो, इससे कोई थकान भी नहीं होती। ऐसे ही एक एक कर गट्टू सोसाइटी के सभी घरों में गया और सभी बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। हार कर गट्टू अपने घर लौट आया। जब उसके पापा ऑफिस से आए तो गट्टू ने उनसे कहा, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, खेलना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, तुम उन्हें खेलने के लिए मनाओ। ठीक है, मैं बाहर पार्क में जाता हूँ। उसने आसपास देखा तो हमेशा की तरह पार्क में कोई बच्चा नहीं था। यहाँ तो आज भी कोई नहीं है। तभी उसने देखा कि दूर बेंच पर एक लड़की बैठी है। वो उसके पास गया। मेरा नाम गट्टू है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम चिंकी है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेलना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चलो हम दोनों खेलते हैं। लेकिन बाकी बच्चे भी हमारे साथ खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो, चलो हम ही कुछ करते हैं। बाकी बच्चों को भी पार्क में लाने के लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर वो दोनों गट्टू के पापा के पास गए और उन्होंने उन्हें अपना प्लान बताया। पापा को बच्चों का प्लान बहुत अच्छा लगा। प्लान के अनुसार पापा ने सोसाइटी के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने पार्क में एक लेटेस्ट फोन को छुपाया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। जो उस फोन को पहले ढूंढ लेगा वो फोन उसका हो जाएगा। लेटेस्ट फोन की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वो फोन तो मैं ही ढूंढूंगा। नहीं, वो फोन पहले मैं ढूंढूंगा। और फिर सभी पार्क में यहाँ वहाँ भाग भाग कर फोन ढूंढने लगे, लेकिन किसी को फोन नहीं मिला। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अब सभी बच्चे थक कर पसीना पसीना हो गए। वो सभी एक साथ गट्टू के पापा के पास गए और बोले, अंकल, आपने तो कहा था आपने पार्क में फोन छुपाया है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ अंकल, हमें कहीं भी बहुत सारे गेम्स वाला फोन नहीं मिला। तुम्हें गेम्स वाला फोन नहीं मिला?
लेकिन तुम्हें गेम्स तो मिल गए। कौन से गेम्स? पार्क में खेलने वाले गेम्स। तुम सभी घर में फोन में गेम खेलते रहते हो और कभी भी पार्क में खेलने नहीं आते, इसलिए गट्टू के पापा के साथ मिलकर हमने तुमसे फोन के बारे में झूठ बोला था। लेकिन क्यों? भागने दौड़ने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम जल्दी बीमार नहीं होते, इसीलिए हमें रोज पार्क में खेलना चाहिए। सभी बच्चे गट्टू के पापा की बात समझ गए। अंकल, हम बाहर खेलने का महत्व समझ गए। अब हम रोज शाम को पार्क में खेलेंगे, जिससे हमारी सेहत ठीक रहेगी और सबके साथ खेलने में मजा भी बहुत आता है। लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था, जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे। लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ से दो लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँच कर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं।
और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं। लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई, वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है, रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहां अब किसी की सुनने वाला था, वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए, वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। गट्टू का बेस्ट फ्रेंड। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे।
गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शैतानियां चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आएंगे। और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेकर जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊंगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ, आओ हम पार्क में खेलने चलें। लेकिन मैं आज खेलने नहीं जा सकता, मुझे अभी दो लेसन्स याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानी में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया, लेकिन राहुल यही सोचता रहा, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता, मैं क्या करूं? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी आंसर शीट से चीटिंग करा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसलिए मैंने जानकर तुम दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, ना कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियां करने से रोकना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब